नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हम डीसी ऑफिस से दिखा रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि नालागढ़ के पोलिंग बूथों पर इस वक्त उपचुनाव का मतदान चला हुआ है। 121 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान वहाँ पर कर रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई है। तीसरी आंख से सभी 121 मतदान केंद्रों पर नज़र रखी जा रही है। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं, तो सोलन में डीसी ऑफिस से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं जहाँ पर 121 मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख से नज़र रखी गई है। वेबकास्टिंग के माध्यम से यह सीधा प्रसारण चला हुआ है। मतदान केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था है, अंदर और बाहर दोनों जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और एक एक आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि एक स्क्रीन पर इस वक्त 6 पोलिंग बूथों पर करीब तीन से चार पोलिंग बूथों को कवर किया जा रहा है। अंदर और बाहर दोनों की तस्वीरें दिखाई जा रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं काफ़ी हाईटेक इस वक्त चुनाव है। लोकसभा के वक्त इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन सभी पोलिंग स्टेशनों पर को वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर नहीं किया गया था, लेकिन इस बार नालागढ़ उपचुनाव में 121 पोलिंग स्टेशन है और सभी पोलिंग स्टेशनों को वेबकास्टिंग से कवर किया गया है। और डीसी सोलन इस वक्त अपने कार्यालय में बैठे हैं और यहीं से ही पूरे मतदान की नज़र रख रहे हैं कि किस तरह से मतदान केंद्रों पर मतदान नालागढ़ के चला हुआ है। 121 पोलिंग स्टेशन है जहां पर इस वक्त मतदान हो रहा है और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे थे और इस तरह की पूरी व्यवस्था। और अभी तक यदि हम देखें तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सुबह से ही चला हुआ है। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। अब इस बार का तो उपचुनाव हाईटेक हो गया है। 121 पोलिंग स्टेशनों पर आपने वेबकास्टिंग के माध्यम से यहीं से आप देख रहे हैं किस तरह से मतदान चला हुआ है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, 7 बजे शुरू हो गया था सभी मतदान केंद्रों में और 9 बजे तक 16% के करीब पोलिंग हो गई थी हमारी, और जो अभी 11 बजे तक की रिपोर्ट है उसमें 34% पोलिंग हो चुकी है। सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और सुबह थोड़ी बारिश हुई थी नालागढ़ के इलाके में, अभी मौसम भी ठीक है और अच्छा जो लोग हैं पार्टिसिपेशन है देखने को मिल रहा है। सभी लोग वोट डालने आ रहे हैं और हमें लगता है कि इस बार मतदान प्रतिशतता हमारे नालागढ़ भाई पोल में अच्छी रहेगी। सर, जो वेबकास्टिंग का के माध्यम से आप यहाँ से देख रहे हैं तो सभी पोलिंग स्टेशनों को कवर किया गया, इस तरह की व्यवस्था की गई? हाँ, ये इस बार जो है जो हमारा बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें सभी पोलिंग बूथ्स पे 2-2 कैमराज लगाए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जा सके और सभी जगह पे हमारे कैमरा जो है वर्किंग है, सब जगह से ठीक चल रहा है और हम लाइव इसको देख पा रहे हैं और यहीं से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई अगर कोई इशू नज़र आता है, कहीं भीड़ ज़्यादा है, कोई क्यू मैनेजमेंट है या कोई दूसरी चीज़ें आती हैं तो यहीं से हम उनको टेलीफोन कर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यदि हम देखें सर कि 85 साल से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं बड़ी उम्र के, ये तो अच्छी बात है कि इन बुजुर्गों में अभी भी मतदान के प्रति इतनी जो है अवेयरनेस है और दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि जब ये लोग वोट इस उम्र में वोट डालने जा सकते हैं तो बाकी नौजवान लोगों को सब लोगों को मतदान करने जरूर जाना चाहिए। सर, EVM को लेकर कोई गड़बड़ी या ऐसी खराबी की कोई सूचना नहीं आई थी? थोड़ी सी आती है, हर बार आती है, तो 2-4 इंसिडेंट्स आए थे जहां हमें EVM को रिप्लेस करना पड़ा, बट अब हमारी जो सभी EVM सुचारू रूप से कार्य कर रही है। अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें विधानसभा की, तो इस वक्त तक आसपास ही लग रहा है कि वोटिंग हो रही है, जैसे शायद उतना ही होगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इस बार मतदान प्रतिशतता ज़्यादा भी रह सकती है। ठीक है, धन्यवाद।
और डीसी सोलन मनमोहन शर्मा जी थे जो हमें जानकारी दे रहे थे। एक बार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वेबकास्टिंग की माध्यम से नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है उसकी आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी नज़र रखी जा रही है डीसी ऑफिस से और तीन जगह और जैसे भी और जो शिमला में निर्वाचन आयोग का ऑफिस है वहाँ से भी नज़र रखी जा रही है, निगरानी पूरी रखी जा रही है। और तीसरी आंख में अब देख रहे हैं कि कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं का इंतजार हो रहा है, कई जगह पर भीड़ लगी हुई है, तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।